ओरल सेक्स, मुख मैथुन, बहुत ही चर्चित विषय। पिछले कुछ एक दो साल से इस टॉपिक पर डिस्कशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आजकल जो कपल्स के बीच में लड़ाइयां भी होती हैं, रिलेशनशिप टूटने के अर्ज तक आ जाते हैं कि तुम मेरे साथ ओरल सेक्स नहीं करती हो। इस तरह के क्वेश्चंस भी मेरे यूट्यूब पे बहुत बार आए हैं कि आप मुझे बताइए ये करना सेफ होता है या नहीं होता है, अगर हम डिस्चार्ज को ले लेते हैं, पी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं, लोगों के अंदर बहुत सी क्यूरियोसिटी है ओरल सेक्स को जानने की, साथ साथ इस तरह के किस तरह के रिस्क हैं, प्रिकॉशंस हैं, डॉक्टर का क्या ओपिनियन है, सबके बारे में बात करूंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि सेक्स से संबंधी सही जानकारी युवाओं तक पहुँचा पाऊँ ताकि किसी भी तरीके की भ्रांतियाँ उन्हें प्रॉब्लम में ना डाल सके। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में ताकि मेरी इस मुहिम में आप भी मेरा थोड़ा सा साथ दे पाएं। तो चलिए, मैं बात कर रही थी मुख मैथुन ओरल सेक्स के बारे में। ओरल सेक्स का मतलब है कि हम अपनी टंग, लिप्स और माउथ का इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को सेक्सुअल स्टिमुलेशन या सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए। ये जो मेथड है ये प्रेगनेंसी मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक सेक्सुअल स्टिमुलेशन और एक प्लेजर का मेथड है। इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, लेकिन ये वन ऑफ द वेरी कॉमनेस्ट सेक्स प्रैक्टिस है जो कि इंडिया और बाहर दोनों जगह प्रैक्टिस की जाती है। खुल के ना बोलते हुए उम्मीद रखी जाती है, फैंटेसीज रखी जाती हैं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ इस तरीके से करे। अगर मैं इसको बात करूं, आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे 6-9 पोजिशन, हेड अप पोजिशन, ब्लो जॉब, इस तरीके के वर्ड्स आप डेफिनेटली सुनते हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब ओरल सेक्स की तरफ होता है। अब मैं बात करूं इनके साइंटिफिक टर्म्स में, फीमेल में ओरल सेक्स वेयर लिकिंग योर क्लाइटोरिस, वजाइना और वल्वा को हम कनिंग लिंगस कहते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके अंदर मेल स्टिमुलेट करता है फीमेल को उसके जेनाइटल ऑर्गन्स को लिक करके विया टंग माउथ। ये ब्रेस्ट एरियाज में भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेल में, इसे हम फिलाशियो नाम से डिटरमाइन करते हैं, मतलब ब्लो जॉब या फिर पेनिस सकिंग। ये ओरल स्टिमुलेशंस हेल्प करते हैं एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने में। अब मैं बात करती हूँ रिस्क की। ओरल सेक्स में बहुत चांसेस हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलने के, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचआईवी, कोविड, साइफिलिस, गोनोरिया, हर तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ओरल सेक्स से बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं। स्पेशली तब जब आपके पार्टनर को किसी तरह का इन्फेक्शन है, मुंह में कोई कट है, कोई पर्टिकुलर पियर्सिंग हो रखी है, अभी किसी तरह की सर्जरी हुई है, उनको कोई इन्फेक्शन रहता है, तो प्लीज़ रिकमेंडेड है कि आप ओरल सेक्स नहीं करें। साथ साथ इस चीज़ पर मैं बार बार जोर दूंगी कि अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं जब आप पार्टनर के लिए श्योर नहीं है, तो फिर आप मेल्स में कॉन्डम का इस्तेमाल करें और फीमेल में डेंटल डैम्स करके एक छोटी सी चीज आती है, वो आप माउथ में, एक बैरियर मेथड है, वो आप यूज कर सकते हैं, तब आप वल्वा या क्लाइटोरिस की सकी कर सकते हैं। तो इस तरह के बैरियर मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको किसी भी तरह की एसटीडीज या रिस्क नहीं होते हैं। अदरवाइज ओरल सेक्स बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपका पार्टनर ओरल सेक्स के लिए इंटरेस्टेड है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, और आपको, आप एक ही पार्टनर से ग्लूड हैं और उन्हीं के साथ सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी आपको पता है, उनकी किसी भी तरीके की और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आप श्योर हैं, तो फिर आप उनके साथ ओरल सेक्स खुल के एंजॉय कर सकते हैं।
ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बहुत अच्छा मेथड है, आप इसके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन एक दूसरे का कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं ये एक्टिविटी करने के लिए तो ये बिल्कुल गलत है। और हमेशा समझिए कि सेक्स एक म्यूचुअल एक्टिविटी है, सिर्फ एक पर्सन की सेटिस्फेक्शन इसमें काम नहीं आती है या दूसरा पर्सन इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कर रहा है पर फिर भी आप उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये चीजें गलत हैं। ओरल सेक्स कर सकते हैं, श्योर होना होगा कि आपका पार्टनर को कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है। साथ साथ अगर आप ऐसे किसी के साथ कर रहे हैं जिसके लिए आप श्योर नहीं है तो फिर आपको डेंटल डैम्स, जो कि फीमेल सकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेल के लिए मेल कॉन्डम्स आर हाईली एडवाइजेबल, नहीं तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं। ओरल सेक्स करने से कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या हम डिस्चार्ज को ले सकते हैं, पी सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। लेकिन अगर वो आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड है और आप सेफ है उनके मेडिकल इश्यूज को लेकर, तो थोड़ा बहुत अगर वो आपके मुंह में जा रहा है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं होते। लेकिन आपको उनकी मेडिकल इश्यूज को लेकर, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि आप प्रिकॉशंस को यूज करिए। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप ओरल सेक्स से रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ साथ कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे कनेक्ट करिए डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और एक पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए जिसके अंदर आप मुझे अपने डाउट्स बताना चाहते हैं या सॉल्यूशन देना चाहते हैं, drnehamehta.com पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। शादी और सेक्स आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक रिलेशनशिप और सेक्स आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसे में नई नई चीज़ें ट्राई करने में बुराई नहीं है, लेकिन जब तक आपको उसके रिस्क, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके होने के बाद के प्लेजर को ना देखते हुए अपनी लाइफ को कंसिडर करेंगे तो आप सही डिसीजन तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। और मेरी वीडियोस तो हैं आपको गाइड करने के लिए, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर प्रेस दी बेल आइकन, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।